हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम आर रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम सबसे पहले आर का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बाद आर की हिस्ट्री कि डेवलप कैसे हुआ था उसके बाद डिफरेंट फिजिकल पार्ट्स ऑफ द आर एफ रूलर सो so गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए एंड डोंट प्रेस द बेलाइकन ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है आर एफ रूल मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इस इंस्ट्रूमेंट से ऑलरेडी फैमिले होंगे और इसे यूज भी किया होगा लेकिन आर एफ से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो मोस्टली लोग अभी नहीं जानते होंगे इंट्रोडक्शन आर एफ नियर पॉइंट रूल आर एन पी आर ऑल्सो नोन एज रॉयल एयरफोर्स रूल या आर एफ इज अ रूटीनली एम्प्लॉयड इंस्ट्रूमेंट इन ऑपथलोलॉजी एंड ऑप्टोमेट्रिक प्रैक्टिस टू मेजर नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन तो आर एफ नियर पॉइंट रूल या रॉयल एयरफोर्स रूल हम नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन को मेजर करने के लिए करते हैं नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि पेशेंट की आंखों के नियरेस्ट एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर पेशेंट के मैक्सिमम कन्वर्जेंस यूज करने पर भी क्लियर इमेज फॉर्म हो जाए और नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है कि पेशेंट की आंखों के नियरेस्ट एक ऐसा पॉइंट जहां पर पेशेंट के मैक्सिमम अकोमोडेशन यूज करने पर भी क्लियर इमेज फॉर्म हो तो एनपीसी और एनपीए के मेजरमेंट के साथ ही साथ आर रूल का यूज ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज में भी किया जाता है एज अ थेरापटिक यूज नेक्स्ट है रॉयल एयरफोर्स रूल की हिस्ट्री सो रॉयल एयरफोर्स नियर पॉइंट रूल को सबसे पहले 1956 में जैसी नीले ने लिटरेचर में मेंशन किया था जिसके अकॉर्डिंग आर 1950s में यूनाइटेड किंगडम में यूएस मिलिट्री के डिफरेंट विजुअल एबिलिटीज को रूल आउट करने के लिए डेवलप किया गया था इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ उस समय कुछ विजुअल फंक्शंस जैसे कि अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस इसके एवेल्युएशन के लिए किया जाता था द डिज़ाइन ऑफ आर जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं आर के बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं। पहला है ये मेटल रॉड दूसरा पार्ट है ये टेस्ट चार्ट जो कि मेटल रॉड पर ऑल ओवर स्लाइड कर सकता है और तीसरा पार्ट है ये विंग लाइक सपोर्ट जिससे कि हम पेशेंट की नोज पर फिक्स करके टेस्ट परफॉर्म करते हैं द आर एफ रूल कन्जिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग फोर साइडेड क्यूबिकल ड्रम हेल्ड ऑन स्लाइडर तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि आर एफ रूल पर यह क्यूबिकल ड्रम एक स्लाइडर की हेल्प से अटैच रहता है और स्लाइडर लगे होने की वजह से टेस्ट करते टाइम इस क्यूबिकल ड्रम को आर एफ रूल पर आगे या पीछे ईजिली स्लाइड कर सकते हैं ईच ऑफ द फोर साइड्स हैज डिफरेंट अकोमोडेटिव टारगेट्स विद ब्लैक प्रिंट्स ऑन अ वाइट बैकग्राउंड तो इस क्यूबिकल ड्रम या टारगेट ड्रम के चारों साइड्स पर अलग अलग टारगेट प्रिंटेड होते हैं वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर से प्रिंटेड होते हैं ये टारगेट सो so, अब हम इन टारगेट ड्रम के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं टारगेट ड्रम्स जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इस टारगेट ड्रम के चारों साइड्स पर अलग-अलग टारगेट -अलग प्रिंटेड होते हैं पहली साइड पर एक रिड्यूस्ड स्नेलन चार्ट दूसरी साइड पर जनरल पोस्ट ऑफिस टेलीफोन डायरेक्टरी का एक सेक्शन प्रिंटेड होता है तीसरे साइड पर अ फॉर्म ऑफ टाइम्स रोमन नियर विजन चार्ट और फोर्थ साइड पर अ डॉट ऑन अ लाइन साइड 1 अ रिड्यूस्ड स्नेलन चार्ट

फाइव मिनट ऑफ आग का एंगल बनाता है ये बात तो हमें पता है वैसे ही ये रिड्यूसड चार्ट थर्टी फाइव सेंटीमीटर की डिस्टेंस से सेम एंगल बनाता है साइड टू अ सेक्शन ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस जी पी ओ टेलीफोन डायरेक्ट्री तो साइड टू पर जीपीओ टेलीफोन डायरेक्ट्री का एक फोटोग्राफ प्रिंटेड होता है जैसा कि इस इमेज में है साइड थ्री टाइम्स रोमन टाइप फेस तो साइड थ्री पर नियर विजन चार्ट प्रिंटेड होता है n5 से लेकर n12 तक जो कि टाइम्स रोमन के फॉर्म में स्टैंडर्ड स्पेसिंग और प्रॉपर प्रिंटिंग साइजेस में प्रिंट होता है as you can see n5 n8 n10 और n12 प्रिंटेड इन साइड थ्री पर साइड फोर अ डॉट ऑन अ लाइन इस साइड पर वर्टिकल लाइन प्रिंटेड होती हैं जिसके सेंटर में एक ब्लैक डॉट भी प्रेजेंट होता है नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि साइड 1 2 एंड 3 एन मतलब कि नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं और साइड फोर डॉट ऑन अ लाइन ये वाली साइड नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं स्क्वायर रूल तो टारगेट रूप को होल्ड करने के लिए जो स्क्वायर रूल होती है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इसकी इतनी लेंथ होने का ये प्रॉफिट है कि जो प्रेस बायोपिक पेशेंट होते हैं जो थोड़ा दूर से पढ़ना प्रेफर करते हैं वो ईजिली रीड कर सकते हैं टारगेट को अब स्क्वायर रूल के भी चार साइड्स हैं फर्स्ट इज अ सेंटीमीटर स्केल इन वन सेंटीमीटर इंक्रीमेंट सेकेंड एक डायट्रिक स्केल थर्ड एक्सपेक्टेड एज स्केल एंड फोर्थ नॉर्मल एंड एब नॉर्मल कन्वर्जेंस की पोजिशन इंडिकेट करने के लिए एक स्केल तो ऐसी चार साइड्स होती हैं आरएफ रूल की यह है सेंटीमीटर स्केल फिर ये स्केल नॉर्मल एंड एब नॉर्मल कन्वर्जेंस की पोजिशन इंडिकेट करने के लिए देन दिस इज अ डायप्ट्रिक स्केल और ये एक्सपेक्टेड एज स्केल चीक रेस्ट आर एफ रूल के एंड में टैच ये चीक रेस्ट है जो कि वी शेप्ड होता है प्लास्टिक का बना होता है और इसकी लेंथ सिक्स सेंटीमीटर होती है इसके इसी शेप की हेल्प से हम आर एफ को पेशेंट की नोज पर सेट कर लेते हैं टेस्ट करते टाइम देट सॉल्व फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आर की मदद से एन और एन का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल